एलोनिमा, एक बहुत ही प्यारा सा इंडोर प्लांट। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपसे एग्लोनिमा के बारे में बातें करूंगी। अपनी खूबसूरत पत्तियों के साथ ये पौधा आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर लुक देता है। एग्लोनिमा टॉप 10 एयर प्यूरिफायर प्लांट में आता है। अपनी कलरफुल पत्तियों के साथ ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है तथा आप इसे बहुत ही इजीली अपने गार्डन, घर या ऑफिस में रख सकते हैं। आज मैं आपसे एग्लोनिमा की रिपोर्टिंग शेयर करूंगी। ये मेरा एग्लोनिमा का पौधा है। इसे रेड लिपस्टिक या सिंदूरी एग्लोनिमा भी कहते हैं। इसकी पत्तियों की साइज और चमक से आप समझ सकते हैं कि मेरा ये पौधा कितना हेल्दी है। एग्लोनिमा में बहुत सी वेराइटीज़ आती हैं। ये मेरा चाइनीज़ एग्लोनिमा है। इसे एवरग्रीन एग्लोनिमा भी कहते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। गर्मियों का मौसम इसके ग्रोथ का मौसम होता है। इसमें ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसे बस थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि मेरे इस रेड लिपस्टिक एग्लोनिमा में एक बेबी प्लांट आया हुआ है। ये पौधा मैं नर्सरी से लेकर आई थी। ये मेरा एवरग्रीन एग्लोनिमा है, जिसका मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्लांट लगाया था और अभी ये 3 प्लांट इसमें हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये देखने में भी काफ़ी बुशी है तथा ये प्लांट बहुत हेल्दी है। तो चलिए इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस पौधे को लगाने के लिए बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए। आप इसे 7-8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि इस पॉट का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये कोकोपीट है, ये आपको बहुत ईजली ऑनलाइन मिल जाएगा। ये ड्रेनेज को बहुत बढ़िया कर देता है तथा पॉटिंग सोइल को हल्का रखता है। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कंपोस्ट। मैंने यहाँ काउ डंग का यूज़ किया है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा कर देता है, जिसके कारण पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो मैं यहाँ काउ डंग ले रही हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों से बना कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं 25% कंपोस्ट का यूज़ करूँगी। तीसरी चीज़ है गार्डन सोइल, ये भी मैंने 25% लिया है। प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए गार्डन सोइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथी चीज़ है सैंड। आप इसकी जगह बजरी या पैरालाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मीडिया को लाइट रखता है। इसका भी 25% यूज़ करेंगे। मेरे गार्डन सोइल में सैंड पहले से मिक्स किया हुआ है। तो कोकोपीट, कंपोस्ट, सैंड और गार्डन सोइल, ये चारों चीज़ आपको एग्लोनिमा के प्लांट लगाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन चारों को आपस में पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये है मेरा एग्लोनिमा का पौधा, जिसे मुझे रिपोर्ट करना है। इसे मैंने पहले ही मिट्टी से अलग कर लिया है। इन चारों चीज़ों को पहले आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे पॉट के जो छोटे छोटे होल्स हैं, उसे हम दिए के टुकड़े से ढक देंगे। पहले पॉट को आधा मिट्टी से भर देंगे। अब इसमें पौधे को लगाएंगे
तथा बचे हुए भाग को चारों तरफ से मिट्टी से भरेंगे ताकि हमारा पौधा अच्छे तरीके से इसमें खड़ा हो जाए और इसकी जड़ें मिट्टी में अंदर तक चली जाएं। पानी डालने के लिए गमले को 1 से 2 इंच तक खाली रखेंगे। तो देखिए हमारा ये प्लांट रेडी है। इसका पॉटिंग मिक्स बहुत लाइट है जिससे पानी देने के साथ ही जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बहुत इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा। पानी ज़्यादा देर तक पॉट में रुकेगा नहीं, यही इसके अच्छे पॉटिंग मिक्स का साइन है। आप भी अपने ग्लूनीमा के पौधे को बहुत ही ईजली लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।